हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। अभी बारिश हो गई थी लगातार, तो उसकी वजह से मौसम हो गया है ठंडा। सुबह थोड़ा सा कोहरा ही पड़ता, ठंडा हो जाता है मौसम, इसलिए थोड़ा सा हालत डाउन हो गई है। सर्दी ज़ुकाम, तो तबीयत ठीक ना हो तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने आज का अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए ब्लॉग भी नहीं डाला मैंने। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बेटू भी उठ के आ गया है, तो यहीं मेरे पास बैठा है, पूछ रहा है मम्मा क्या कर रही हो। मैंने बोला मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ बेटा, कि जल्दी बना लो। मैंने कहा ठीक है चलो। घर के सारे काम हो चुके थे और मैं भी फ्री हो गई थी। सारा काम करके खाना पीना सब हस्बैंड को दे दिया था मैंने खाना आना। मैं जा रही हूँ, थोड़ा कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ आगे वीडियो में। अभी बस तो मैं इनसे मिल गई थी घर के पास से, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी मेरा घर है तो वहीं से बस मैं बैठ गई थी। मैं अब जा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सारा, हरियाली बहुत ही ठंडक देती है ये बारिश की वजह से। ही देखो खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, बारिश हो गई थी ना तो किसानों का इससे बहुत नुकसान हो गया। अभी भी पानी नहीं निकला है खेतों से, सारी तरफ पानी भरा हुआ है, कुछ ही खेत बाकी बचे हैं जिसमें पानी नहीं है, सभी में पानी भरा हुआ है। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई तालाब वगैरह है, लेकिन ये खेत ही हैं सारे भरे हुए हैं। बस से उतरने के बाद मैं आ चुकी हूँ ऑटो में, क्योंकि मुझे कई चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, पहले बस फिर ऑटो और उसके बाद अब ई रिक्शा बैठ गई हूँ। इसके बाद बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ। अगर ऑटो से भी जाती हूँ तब भी फिर भी ई रिक्शा लेना पड़ता है, क्योंकि ऑटो जिस रोड के होते हैं उसी साइड चलते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। उनकी सबकी एक कंडीशन होती है, जिधर का ऑटो होगा वो उधर ही साइड जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर टाइम होता है मेरे पास तो मैं पैदल ही निकल जाती हूँ, और टाइम नहीं होता है, जल्दी होना होता है तो फिर मैं ई रिक्शा वगैरह या ऑटो, अगर कोई ऑटो मिल जाता है तो वो ले जाती हूँ। ऑटो मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि ऑटो ऊपर से जाता है पुल से और मुझे जाना है नीचे, और मेरी आ चुकी है मंजिल। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, अपना नंबर बुक कराऊँगी। मैं आई हूँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने, सुबह ही अपॉइंटमेंट ले ली थी मैंने। नहीं भैया टोकन बना के दे रहे हैं, टोकन बना देंगे फिर उसके बाद मैं अपनी सीट ले लूँगी जहाँ मुझे बैठना है। डॉक्टर भी आ चुके हैं, वो भी अभी आए थे, और इधर मैं आ गई हूँ अपने नंबर पर, जो नंबर से ही देखते हैं। यहाँ पर टोकन दे दिया था भैया ने, और उधर ये भैया कर रहे हैं बीपी चेक, ये सभी पेशेंट का बीपी चेक होता है। उसके बाद फिर ये लिख देंगे पर्चे पर और फिर डॉक्टर को तो दिखाना है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो भी दवाई है प्रिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। नंबर मैंने सुबह फ़ोन से ही लगा दिया था, लेकिन यहाँ आकर भी टोकन बनवाना पड़ता है, नंबर लगवाना पड़ता है, उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और ये भैया कर रहे हैं बीपी चेक हो जाएगा, जो भी आएगा वो उस पर्ची में लिख देंगे। बारह दिन की है, सारी देनी है, थायराइड की तो है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं आ गई थी मेडिकल शॉप पर, मैंने भैया को पर्चा दे दिया है दवाई के लिए, वो दवाई निकालने गए हैं और ये भैया दवा निकल आई है, तो ये भैया बिल बना रहे हैं। कुछ दवाई एक है नहीं इनके पास, तो वो दूसरे भैया लेने गए हुए हैं, और ये दवा मैंने ले ली है, सारी भैया ने पैक करके दे दी मुझे। ये मैं लेने आई थी पेन वगैरह, बेटी ने मंगाए थे उसको ज़रूरत थी, पेंसिल बॉक्स वगैरह, यहाँ से भी मैंने ये ले लिया, दूसरी शॉप से लिया था। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा मार्केट में, तो यहाँ पर भीड़ लगी थी करवा चौथ की वजह से, तो मैं भी देखने लगी, मुझे अच्छे तो लगते हैं लेकिन मैं लेती नहीं हूँ, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा देख ही लेती हूँ, डिज़ाइन अच्छी लग रही थी लेकिन मेरे को सूट ही नहीं करते हैं, इसलिए मैंने लिए नहीं। फिर मैं आ गई थी चूड़ी शॉप पर, यहाँ से कुछ मैंने चूड़ियाँ देखी लेकिन मेरे को पसंद नहीं आई, फिर मैंने दूसरी शॉप से चूड़ियाँ ली। अब मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पर, यहाँ से मुझे थोड़ा सामान चाहिए था, ये बटर, केचप, सॉसेस वगैरह, तो मैंने भैया से बोल दिया, वो निकाल रहे हैं, यह सारा सामान अवेलेबल है इन भैया के पास, यहीं से ले जाती हूँ मैं जो भी मुझे चाहिए होता है।
तो भैया ने निकाल रहे सामान, तो मैं दिखा रही थी सारा सामान है इनके पास। सारा सामान मैंने ले लिया है, जिसकी भी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया। वापस जा रही हूँ घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और ये इधर भीड़ चल रही मार्केट में बहुत ज़्यादा करवा चौथ की वजह से। ये है यहाँ का मेडिकल कॉलेज, ये अभी बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब अभी कुछ काम बाकी भी रह गया, स्टूडेंट भी आने लगे हैं पढ़ने के लिए। और मैं जा ही रही थी, रास्ते में दो लेडीज़ हैं और मिल गई जाने के लिए, बैठने के लिए। उनको थोड़ा आगे ही उतरना था, ये भी भैया ने बैठा लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन हरा हरा, हरियाली देख कर ना थोड़ा सुकून मिल जाता है, आँखों को ठंडक मिलती है। बारिश की वजह से तो और ज़्यादा ही पेड़ पौधे हरे हरे हो गए। बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखने में, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है अब। अभी मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि पास में ही है यहाँ पर बली में, तो बच्चे भी रेडी हो रहे थे, बोल रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि मार्केट से आने के बाद मैंने एक डेढ़ घंटा आराम किया। बच्चे तो बोल रहे थे मम्मा जल्दी चलो, चलेंगे पहले रेडी रेडी तो हो जाओ, अच्छे से रेडी हो जाएंगे उसके बाद चलेंगे। ये चूड़ियाँ लाई थी मैं, बेटी को दिखा रही हूँ मैं, देखो ठीक लग रही हैं, तो बोल रहे हैं अच्छी लग रही हैं। पहले जो देखी थी वो मैच नहीं कर रही थी, ये एकदम परफेक्ट मैच कर रही हैं चूड़ियाँ। अब मैं बना रही हूँ बेटी की छोटी, बस बड़ी बेटी तो अपने आप से रेडी हो ही जाती हैं। वो बेटू रह गया रेडी करने के लिए, पहले इनकी छोटी बनाऊँगी उसके बाद बेटू को रेडी करूँगी। इन लोगों को बस कहीं से आ जाए दावत वगैरह तो जल्दी पड़ती है, जल्दी चलो मम्मा बस जल्दी चलो, बस इनको बस मस्ती करने में मज़ा आता है, खाने पीने से मतलब नहीं। इधर बड़ी बेटी भी हो चुकी है रेडी, बड़ी बेटी की तो कोई टेंशन नहीं है, ये हो जाती हैं खुद से रेडी। बस इनको जब अगर हेयर स्टाइल बनवानी हो तो जब ही बोलती हैं ये। आज इन्होंने सिंपल ही छोटी बनाई, बोल रही मम्मा सिंपल छोटी कर ले रही, बड़े ठीक है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस बाल बांधना बाकी रह गए हैं। और हम आ चुके हैं अब बली में, यहाँ थोड़ा सा लेट हो गए तो लोग बाग बैठ चुके थे खाने के लिए, मैंने कहा भी बैठ जाएँ उसके बाद ही बैठेंगे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।